इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. यू नेवर नो आपके सामने कौन सी सिचुएशन आ जाए. इट माइट हैपन कि आप कभी क्रिवास में गिर जाए, कभी एवलांच आ जाए. दैट वॉज द मेन चैलेंज फॉर अस. मैं एक सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ. मेरे फैमिली में मेरी बड़ी बहन है और मेरी मम्मी है. आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी अर्ली एज. फिर माई मदर वॉज रिस्पॉन्सिबल सारी. उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई सब देखा. तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरूँ और जो उन्होंने मेरे लिए करा है आई शुड पे इट बैक. मेरी बड़ी बहन है वो NCC में थी तो शी वॉज दी वन हु मोटिवेटेड मी. और मेरी पूरी प्रिपरेशन शी गाइडेड मी थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ SSB प्रिपरेशन. आफ्टर माई कमिशनिंग फ्रॉम OTA मैंने कोर ऑफ इंजीनियर्स 18th of July 2021 में ज्वाइन करा. लेटर ऑन द रेजिमेंट वॉज दी वन जिन्होंने मुझे इनकरेज करा कि मैं प्रिपेयर करूँ अपने आप को सियाचिन ग्लेशियर में इंडक्ट होने के लिए. देन आई टुक अप द चैलेंज. आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ जहाँ पे मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी फोकस करा. कॉम्बैट इंजीनियरिंग के बारे में सीखा. एट सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग बहुत ही ग्रेजुअल वे में कंडक्ट होती है. वो आपको ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आए आप उसको अच्छे से फेस कर सको, सिचुएशन को ओवरकम कर सको. और ये पूरी प्रिपरेशन इट टुक ऑलमोस्ट एन ईयर. आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के बाद में आपको सर्टन पोस्ट अलॉट हो जाती है जहाँ पे आपको जाना होता है. आई गॉट इंडक्टेड टू सियाचिन ग्लेशियर. जो मेन चैलेंज था इसमें वो ये था कि इट इज़ अ वेरी क्रवास प्रोन एरिया. तो वहाँ पे बहुत सारे क्रवासेस खुल सकते हैं. वंस और ट्वाइस इन अ वीक देर आर एवलांच वार्निंग. यू शुड हैव दैट नेवर से डाई एटीट्यूड. तो एक वो चीज़ मुझ में डेवलप हो गई कि जो भी है जितना टफ है यू हैव टू डू इट. इट टुक ऑलमोस्ट 4 days मुझे मेरी पोस्ट पे पहुँचने के लिए एंड दैट वॉज बाय फुट. The moment I reached at the post, जो पहला thought था मेरे दिमाग में वो था कि finally I am here and the journey of training and 4 days of induction by foot वो complete हो चुका है पूरा and I am here और जो मेरी team है now I am responsible for them. I believe that जो women हैं they are equally empowered and they can perform their best in whatever field they want to. जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन है they are progressing at a rapid rate. Similarly, armed forces में जो women officers हैं they are progressing in all these spheres of the job, whether they are getting commissioned into the combat arms, fighter pilots, they are given the command appointments. So I believe that they are also given adequate opportunities to perform their best. I honestly believe that youth of our nation, especially the young women, they should have a clear focus कि उनको life में करना क्या है. जब एक बार वो clear हो जाएगा they will follow that path. मुसीबतें आएंगी, difficulties आएंगी, challenges आएंगी. Overcome those challenges and just be motivated. Sooner or later you will fulfill it.